और खबर सितारगंज से। सितारगंज में गूंजी हसन हुसैन या हुसैन की सदाएं। मुस्लिम समाज के लोगों ने गमगीन माहौल में सितारगंज शहर में ताजिया निकाले और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत हुसैन और हजरत हसन को याद किया। मुस्लिम समाज के लोगों ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत हुसैन की याद में ताजिया निकालकर हजरत इमाम हुसैन की यादगार ताज़ा की और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हजरत इमाम हुसैन की शहादत और कुर्बानी को याद किया। शहर में ताजिया निकालने के दौरान पुलिस प्रशासन सुरक्षा की दृष्टि से मौजूद रहा ताकि कोई अनहोनी घटना न घट सके। आपको बता दें, उर्दू कैलेंडर के महीने मुहर्रम की 10 तारीख को बड़ी तादाद में ताजिया और जुलूस निकालकर हजरत हुसैन को याद किया जाता है। वहीं सैयद सिराज अहमद मुन्ने मियां ने बताया के साथ ऐसा वाकया पेश आया कि जो जुल्म हक को बाकी की जंग जो करबला में लड़ी गई जहां इमाम हुसैन ने हमारे इमाम हैं हमारे सितारगंज से जफर अंसारी की रिपोर्ट। उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और जिस आवाज़ को आज दुनिया में बहुत बड़े बड़े मारूफ लोगों ने इस इनकलाब से हुसैन के इस खिलाफ से हुसैन के इस वाक़े से दर्श लिया है और लोगों तक पैगाम पहुँचाया है, उसमें हमारे हिंदुस्तान के महात्मा गांधी के जिन्होंने इस देश को आज़ाद करवाया है, उन्होंने भी यही जुमला कहा था कि मैं हिंदुस्तान के लिए कोई नई चीज़ लेकर नहीं आया हूँ, वो चीज़ लेकर आया हूँ कि जो मैंने हुसैन के इनकलाब से सीखा। अगर हिंदुस्तान को कामयाब होना है तो हुसैन के इनकलाब से उनकी सीरत पर अमल करना होगा, तभी हम अंग्रेज़ों को वहाँ से भगा सकते हैं। ये हमारा एक पैगाम, हम पैगाम देते हैं जुलूस के साथ, हम जुलूस के साथ एक पैगाम ये देते हैं कि हर इंसान के जिसके अंदर इंसानियत है उसको जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जो जुल्म सहता है वो भी जालिम है, वो भी सही नहीं है। अगर आप खामोशी से जुल्म सहते रहें वो सही नहीं होगा। और आज हमारे इस आशूर के दिन जिस दिन हम जुलूस निकालते हैं, हुसैन ने हमें इंसानियत का पैगाम दिया है, इसीलिए आज हमारे जवानों ने खून लोगों को अदा किया है। इसलिए इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि मुसलमानों को देना है किसको देना नहीं, ये इंसानियत के इंसान के लिए हमने खून दिया है। शायद हुसैन के खातिर हम कोई ऐसा काम कर दें कि जिस खून से किसी इंसान की जान जाए, और ये पैगाम हुसैन का पैगाम है। वीडियो अच्छा लगा हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले लोकजन न्यूज और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले।